राजस्थान तो बाद में बांटेंगे पानी को, पहले तो इंडिया पाकिस्तान ने बांटा है। छह नदी हैं, उन छह नदियों में सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और इंडस, ये सारी भारत से होकर पाकिस्तान में चली जा हैं, छह की छह नदी। सबसे बड़ी जो गड़बड़ है, जो शुरू में 1960 में बंटवारा किया इंडिया पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान के साथ हमारा पानी का क्या समझौता था। उस समय वर्ल्ड बैंक ने, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था जनरल अयूब खान, दोनों को साथ बैठाया था कि भाई तुम पानी का समझौता करो, उसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस जल संधि। उस जल संधि में ये होया था, कश्मीर से लेकर पंजाब तक छह नदी हैं, उन छह नदियों में सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम और इंडस, ये सारी भारत से होकर पाकिस्तान में चली जा हैं, छह की छह नदी। तो इसमें यह फैसला होया भाई तीन नदियां का पानी तो यूज करेगा भारत और तीन नदियां का यूज करेगा पाकिस्तान। और सब बड़ी बोली बूझ पंथी के होगी, भारत के जो तीन नदी पल्ला आई, सतलुज, ब्यास, रावी, इन तीनों का फ्लो मिला के था 33 माफ, और इंडस, झेलम, रावी में 80 माफ, लगभग 2.5 गुना 3 गुना पानी, मतलब पाकिस्तान को इतना ज्यादा पानी दे दिया और जो है खुद लिया 33 माफ पानी। सबसे बड़ी गड़बड़ तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने कर रखी है। तो भाई पानी में तो मार खाई है खाई। दूसरा एक चीज और उठ ली भारत ने, वह उठी कि 1960 से 1970 मतलब 10 साल में 1,25,000 किलो सोना, उसके बराबर पैसा भारत पाकिस्तान को देगा उनके इलाके में नहर बनाने के लिए। और बेवकूफ़ी की बात यह है, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कराया, फिर भी हम बोली बुच्चा की ढाल 12,500 किलो सोने के बराबर पैसे पाकिस्तान को हर साल देते रहे, भाई तुम नहर बनाते रहो, हमारा पानी लेते रहो और हमारे गोली और गोले भी मारते रहो। अब 1960 से 70 के बीच में केंद्र में कौन था, पहले जवाहरलाल 1964 तक, फिर बीच में लाल बहादुर शास्त्री का तो थोड़ा ही समय था, फिर इंदिरा गांधी, किसी ने नहीं रोका है, ना किसी ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी के भाई हम नहीं मानते इस बात। अब उससे आगे आ जाओ, 1971 में 1965 से भी बड़ा युद्ध होया भारत पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, ना तब तोड़ी या संधि, तब भी ले पानी लेते रहो भाई, पैसा तो दे चुके थे। उसके बाद 1999 में कारगिल होया, तब भी नहीं तोड़ी संधि, तो पैसा भी दिया पानी भी देते जा रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, 2022 में भी दे रहे हैं। अब देखो 1999 में कारगिल युद्ध होया, वो भी पाकिस्तान ने कराया, हर बार पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं, हम फिर भी पानी देते रहे हैं। फिर 2016 में उरी की घटना हुई, उरी जिसपे फिल्म भी बनी थी, उस समय मोदी ने एक जगह भाषण में ये जरूर बोला, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और दूसरी तरफ मोदी मोदी। और फिर 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ, वो भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ने कराया, खोज ने कराया, भगवान जाने। तो नितिन गडकरी ने भी इससे मिलती जुलती बात बोली थी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे का मतलब है कि हम पानी रोक देंगे तुम्हारा, फिर भी नहीं रोक क्या, चुनाव जीत लिए और फिर चुप हो गए। और यहाँ पे खट्टर भाजपा का मुख्यमंत्री है, वो आंगली लावे है कि भाई पानी दो, SYL दो, अरे ऊपर से पाकिस्तान का तो रोक नहीं रहे, अरे यहाँ पंजाब जो हमारा भाई है उसको कह रहे हैं पानी दो। तो इसका जवाब किसान भाई जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के, उसे केंद्र सरकार से मांगना चाहिए, भाई पहले जो गलती नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उनने करी है इस ट्रीटी को ना तोड़ के या रीनेगोशिएट नहीं की, वो अब हम कंटिन्यू क्यों करें, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है तो तोड़ के दिखाओ ना। और वो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब के पास सच्चाई तो ये है, पानी है ही नहीं, और उसका सबूत ये है पंजाब में देश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है, 13 लाख ट्यूबवेल है, और हर साल 28 माफ पानी तो वो जमीन का निकाल रहे हैं। अब पंजाब में भाजपा की सरकार होती तब खट्टर थोड़ी लाता आंगली, अब आंगली इसलिए लावे है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सोल्यूशन की तरफ वो भी नहीं जा रहे। आम आदमी पार्टी को भी ये बात उठानी चाहिए, भाई तुम भी ठाओ, कांग्रेस तुम भी ठाओ, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते तुम? तुम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने करी थी इंडस वाटर ट्रीटी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी उसका पालन किया, ना कांग्रेस इसको तोड़ना चाहती, रीनेगोशिएट करना चाहती, ना भाजपा इस पर एक्शन ले रही। तुम डर किससे रहे हो? किसानों को बेचारों को नॉलेज नहीं है, मेरे भाइयों को नॉलेज नहीं है। इसके दो इलाज हैं, पहला इलाज तुम्हें बता दिया, अपने पानी का हिस्सा पाकिस्तान से ज्यादा लें।
और अगर पाकिस्तान के किसानों पे मोदी ने ज्यादा दया आवे है तो एक तरीका और है, शारदा यमुना लिंक नहर, एक नेपाल में नदी है तो उत्तराखंड के बॉर्डर के चिपियोड़ या शारदा नदी निकले है, इसमें भाई हर साल लगभग बाढ़ आती है, खूब पानी है इस नदी में। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस काल में उनने एक योजना बनाई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब नदियों को जोड़ना, जिसमें ज्यादा पानी है नदी में, जो सूखी पड़ी है उस नदी में भेज दिया ताकि पूरे देश को फायदा हो। बढ़िया प्रोजेक्ट था वो, बढ़िया शुरुआत थी। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट ये भी उनने बनाया कि शारदा नदी का पानी यमुना नदी में लेकर आवांगे, क्यों यमुना नदी में भी कम है पानी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ा शुरू किया था, फिर 12 साल कुछ नहीं बात हुई इसकी, कांग्रेस के काल में कोई बात नहीं हुई इस पे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी गया नेपाल, फिर वहां यह बात दोबारा से छेड़ी। एक चीज बता दूं, यो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है कि भाई यार देख रहे हो या नहर न्यू आती आती करनाल के पास से हरियाणा में जींद हिसार भिवानी को टच करती हुई पूरा राजस्थान कवर करके गुजरात तक है या। इसमें 1,00,000 करोड़ का बजट चाहिए, अभी तो योजना भी पूरी नहीं बनी। अब 2002 में जिक्र आया था, 14 में जिक्र आया, आज 22 में खड़े हैं, योजना बस कागजा पे है, वो अभी पूरी नहीं बनी है। तो भाई बात ये है, पंजाब हरियाणा राजस्थान सारे प्रदेशों की पानी की स्थिति है खराब। अब ये बात ध्यान से सुनने की है, पाकिस्तान को टेबल पे बैठाओ, उनको यूं कहो भाई हमने तुमको 1,25,000 किलो सोने के बराबर पैसा दिया था आज से 50 साल पहले, आज की तारीख में उस सोने का तुम भाव करोगे तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए हो जाता है। शारदा यमुना जो ये राजस्थान गुजरात तक जानी है नहर, इतना ही पैसा उसके लिए चाहिए। तो पाकिस्तान के सामने भारत रखे दो कंडीशन, या तो भाई ये 1,00,000 करोड़ रुपए दे दो, हम अपनी नहर बना लें और यो पानी ऊपर तक लेते रहो, और या फिर हम भाई अपनी नहरें यहाँ बनावें और इन तीन नदियों में से पानी ले वहां। और आप भाई इस वीडियो को शेयर करना दबा के, ताकि मोदी तक आवाज जाए, तम बोलते ही नहीं, उन तक जाएगी कैसे आवाज। हजारों लाखों की संख्या में शेयर करोगे तभी तो उनके समझ में आओगी भाई जनता जागगी, जनता बॉडी बूच नहीं बन सकती, ये बेकार की डील कर रखी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ये डील दोबारा की जाए, हमने पैसा दिया पानी दिया, तुमने हमको सिर्फ गोली बारूद दी, पैसे उल्टे करो नहीं तो तुम्हारा पानी रोकेंगे। भारत सख्त जबान में बात करे, खाली ये सोशल मीडिया पर करें सख्त जबान में बात, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उसकी बात करेंगे, बात करो, पैसा लो उनसे, हमें नहर चाहिए, हमें हमारा पानी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए।